रहमान रहीम, आज बुशरा बीबी की जानिब से जो रिट पिटीशन की गई थी मोहतरम इमरान खान साहब की जो है अडयाला जेल में उनकी सेहत और ज़िंदगी के बारे में जो उनकी तशवीश थी जो उन्होंने का इजहार किया था और उन्होंने तकाजा किया था कि चूँकि वो जो है इनकी सरकार की इस वक्त तहवील में है और इसलिए ये सरकार के जो चाहे वो जेल अथॉरिटीज़ हों चाहे वो होम डिपार्टमेंट हो चाहे वो वफाकी हुकूमत हो और चाहे वो नैब या इलेक्शन कमीशन हो, ये सारे ज़िम्मेवार हैं उनकी जो है सेहत के और उनकी जो है ज़िंदगी को जो है गारंटी प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्शन फराहम करने के लिए और उनके इलाज मुआवजे की अगर ज़रूरत है तो उसमें वो बेहतरीन उनको इलाज मुआवजे के लिए सहूलत फराहम करना और उनको जो है टेस्ट करवाना या अद्वियात फराहम करना, ये सरकार का काम है क्योंकि वो सरकार की तहवील में। तो चीफ जस्टिस साहब ने पहली तारीख पर रिपोर्ट मांगी थी क्योंकि मैंने हवाला दिया था 2020 इस्लामाबाद PLD 2020 इस्लामाबाद 268 सफ़ा पर जो सबका चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एक बहुत मुदल्लल और मुफस्सल फैसला दिया था जिनमें उन्होंने खसूसन अडयाला जेल और दीगर जेलों का भी कहा था कि ओवर क्राउडेड भी हैं और यहाँ जो है इनको जो इनमेट्स हैं उनको सहूलियात फराहम नहीं की जा रही हैं और उन्होंने कहा कि ये आईनी और बुनियादी हकूक हैं। तो आज मैंने उसके एक्सट्रैक्ट्स भी पढ़कर सुनाए और मैंने कहा कि ये इंसानी बुनियादी हकूक है, हम इंटरनेशनल जो कॉवनेंट्स हैं इस पर प्रिजनर्स राइट्स के उस पर भी हम पाकिस्तान जो है वो सिग्नेटरी है और पाकिस्तान ने अडॉप्ट किए हुए हैं और कुरानिक अहादीस और कुरान से एक्सट्रैक्ट्स और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो भी मैंने पढ़कर सुनाई कि किस अंदाज से जो है क्या सलूक किया जाना चाहिए जो प्रिजनर्स होते हैं। प्रिजनर्स में दो कैटेगरीज होते हैं, एक अंडर ट्रायल प्रिजनर होता है, एक सजा याफ्ता प्रिजनर होता है। दोनों में जो है उनको आइनी हकूक़ जो है उनको मुकम्मल मुयस्सर है, वो आर्टिकल 9 राइट ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी जिसका मतलब है कि हमागीर किस्म की ज़िंदगी का, उसमें सेहत आती है, उसमें जो है खाना पीना आता है, उसमें सांस लेना आता है, ऑक्सीजन की फराहमी आती है, उसमें तमाम मराहत जो ज़िंदगी के हैं वो आते हैं। और आर्टिकल 14 में डिग्निटी है, फिर डिग्निटी ह्यूमन बीइंग इंसान की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किसी अंदाज से नहीं करना चाहिए, ये भी एक आइनी हक है उसका जो शहरी है पाकिस्तान का, शखा वो याफ्ता मुल्ज़िम हो या वो जो है अंडर ट्रायल प्रिजनर हो, उसमें कोई तशख़ीस और तमीज़ नहीं है। इसलिए ये तमाम हकूक का जो है आज मैंने पढ़कर भी सुनाया, इहाता भी किया और एक मज़ाक का खेज उसका जवाब आया था जो चीफ जस्टिस साहब ने रिपोर्ट मांगी थी और रिस्पॉन्डेंट नंबर 6 जो माशाल्लाह ISI के DG हैं, उन्होंने कहा कि ये हमारे मुतअल्लिका नहीं है और ये हमारी तहवील और हमारी कस्टडी में नहीं है। तो वफाक को भी मैंने फ्रीक बनाया था और IG प्रिजन को भी बनाया था, सुपरिंटेंडेंट जेल को भी बनाया था, हुकूमत को बनाया था जिसमें हुकूमत इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती थी, होम डिपार्टमेंट चीफ कमिश्नर और ये सारे आते थे। तो भला वो सूबाई हुकूमत हो या मरकजी हुकूमत हो, सभी ने इसे जवाब तलबी जो है इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस साहब ने की थी हाई कोर्ट के, और वो जो अथर मिनल्ला साहब ने जो है 17 जो डायरेक्शन दी थी 2020 में उसमें से एक की भी कंप्लायंस नहीं हुई है। और आज जब मैंने चीफ जस्टिस साहब से पूछा है, मैंने कहा जी ये तो आपको पता होगा कि क्या आपके रजिस्ट्रार को कोई ये जो है मंथली हर महीने उन्होंने 30 तारीख को जवाब देना था कि क्या उन्होंने इस मामले में पेशरफ्त की है, पेशरफ्त हुई है, तो एक भी जो है पेशरफ्त के बारे में किसी ने इत्तला नहीं की। तो मैंने यही अर्ज किया कि देखें ये जो है इस कदर, और मैंने खराज तहसीन भी पेश किया कि अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस ने लिख कर दिया है कि इस पर इंतज़ामिया की और एस्टैब्लिशमेंट की जो है असारात हैं
निज़ाम अदल पर, तो मैंने कहा कि बुनियादी हकूक़ की आपने पासदारी का हल्फ उठा रखा है, इसलिए खुदा रहा आप अपने बुनियादी हकूक़ के जो है तनाजर में आप अहकाम कीजिएगा। हम देखें ने एक तहरीक चलाई थी जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को माजूल किया गया था तो पाकिस्तान सारा उठा था और पाकिस्तान के सारे वकला और सबसे पहला खून मेरा माल रोड की सड़कों पर गिरा था। आज भी इसको आप देखेंगे 26 टांके आपको नज़र आ रहे हैं मेरे माथे पर। तो मैंने कहा कि हम बिल्कुल आप फैसला करें, हुक्म दें, देखते हैं हम कैसे अमलदारी नहीं होती है, क्योंकि बुनियादी हकूक जो है वो आइन में मुंतबित किए गए हैं और अगर इमरानी मुआहदा जो है इस पर कोई जो आँच आती है तो इसका मतलब है पाकिस्तान कमज़ोर होता है, पाकिस्तान को कमज़ोर हम नहीं होने देंगे, हम आपके इस मामले में साथ होंगे। तो वो उन्होंने कहा है कि उस दूसरे फरीक को सुनने के बाद कि जी अडियाला जेल में तो ये खुद अटक से आप आए थे, यानी वो सवाल गंदम जवाब चीना जो है आप अंदाज़ा करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि भाई यहाँ टॉर्चर हो रहा है, यहाँ जो है वो हकूक बुनियादी नहीं दिए जा रहे, यहाँ इलाज मुआवजा नहीं किया जा रहा है, यहाँ जो है हमारे टेस्ट लिए जाते हैं, तो हमारी नालिश ये है कि शौकत खानम लैब से टेस्ट करवा लें, शौकत खानम के डॉक्टर को साथ शामिल कर लें। आम हालात में भी सारी दुनिया जानती है कि शौकत खानम की लैब्स जो हैं वो ही क्रेडिबल हैं पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा, और दो तीन लेकिन फिर अगर मनपसंद करने हैं आपने इस तरह से करना है। और फिर मैंने कहा हम तो नमाज बख्शवाने आए थे, आपने तो रोज़े हमारे गले डाल दिए, क्योंकि हम बुशरा बीबी तो आई थी अपनी खामिंद की जो है नालिश लेकर, यहाँ बुशरा बीबी को टॉर्चर किया गया, बुशरा बीबी को खुराक में जो है ऐसी चीज़ें दी गई जो उनकी आँख से नाक से कान से हर जगह से जो है वो उल्टियाँ आनी शुरू हो गई थी और उनका एसिडिटी उनका ऐसे बर्न लगता था कि जलन हो रही है अंदर से, एक महीना बमुश्किल से उनकी हुई और फिर दोबारा उनको जो है कुछ ड्रॉप्स देकर उनका जो है फिर हालत की तजदीद हुई। मैंने कहा कि हम तो पटिशनर बुशरा बीबी आई थी अपनी खामिंद की जो है वो सेहत के फिक्र लेकर और उनकी ज़िंदगी की जो है वो आपसे जो है यकीनी चाहती थी कि उनकी कोई आँच ना आए, और यहाँ आपने पटिशनर को ये बजाय इसके कि उसको रिलीफ देते उसको ये सजा मिली कि उल्टा उसके साथ टॉर्चर करना शुरू कर दिया, और वो फिर कोई खुशी से अपना बनी गाला से जो है जहाँ वो कन्फाइंड थी वो कोई खुशी से नहीं जाता, उसने नालिश करके यहाँ कहा कि मुझे अडियाला जेल भेजें, मुझे इस कैद तन्हाई के अजियत और अजाब से जो है मुखलसी दें, क्योंकि मैंने खुद जाकर देखा था बनीगाला, बनीगाले की तो बात करते हैं मगर ये कम ज़र्फ़ लोग ये नहीं देखते, वहाँ मैंने खुद देखा कि उसको सील किया हुआ था अंदर से एक कमरे को, ना खिड़की खुल सकती थी ना कोई कमरे से वो बाहर जा सकती थी, और एक कमरे में ना हवा आ सकती थी, और वो जो है जिस अजियत और कर्म में गुजर रही थी उन्होंने कहा कि मुझे अडियाला जेल में वापस भेजें और रिट करके उनको नालिश करके वो भी अडियाला जेल में।